और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर के पाटन में, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोटा से जुड़े और हर वृक्ष बैंक कोटा को ग्रामीण रूप से आजीविका केंद्र बनाने के लिए उनका सपना है। और हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार की नीति के साथ साथ हम आम जनता को इस योजना से जोड़ेंगे। नेपाल यात्रा, जापान यात्रा, यहाँ आना। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय आरपी मंडल जी मुख्य सचिव को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक नरेंद्र गए थे सम्मेलन कार्यक्रम में विकास लाते हुए आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके बीच में आप सब रूबरू हो, ताली बजाकर स्वागत करें। ताली तो बजा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी। मैं उपस्थित बहुत ही पिछले बार प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, विधायक लय विधानसभा भाई गिरीश देवांगन जी, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कुमार मंदिर भाषा है संदीप भैया सब समझी जी दो भाषा है। हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब, किसी की तरफ चतुर्वेदी जी, एम गीता मैडम, ए सी एस सुब्रत साहू जी, सिद्धार्थ कुमार स्वदेशी जी, आदरणीय महत्तर वर्मा जी, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष कश्यप जी, भाई हेमंत जी, तुलसी साहू जी, मीता लोधी जी, योगी साहू जी, आदरणीय पदेशी राम वर्मा जी, आदरणीय भाई धर्मेंद्र यादव जी, भाई आशीष जी, नाम हो तो पढ़ लग ही निर्मल, हाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोधरे जी, गुलाग जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ श्रीमती यादव जी, और सबों हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए सपनाथी में और नगर पंचायत पाटन के सब पार्षद में और आस पास के आए हुए सब किसान भाई मन, जिला से भी बहुत अपन हमारे कांग्रेस पदाधिकारी मन आए हैं, उकरो मन के पाटन में स्वागत करना और सबो हमार पत्रकार साथी मन के भी स्वागत है। रायपुर छोड़ के आज पाटन आए हैं तो उकरो मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हरेली तिहार है, पूरा छत्तीसगढ़ में गांव गांव में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हरेली तिहार हम सब मना था। आज के दिन जब कभी हमार कृषि यंत्र है ओकर पूजा करते, लैका मन गेरी तैयार करते, गांव के मैदान में कबड्डी खो खो के आयोजन भी होते। ये आयोजन मूलतः किसान मन के, लेकिन वो सुरता नहीं आते एक पहले कब हरेली भर नांगर धुआ के बहुत अकन किसान मन के रोपा भी राशि हो गए, बहुत अकन में बाँचे, लेकिन पहली बार ऐसा होते कि किसान मन है हरेली के दिन नांगर धो के पूजा कर रहे थे, नहीं तो हरे वक्त तो रोपा शुरू नहीं हो रहा है। जबका जिकर हाथ में पानी है तेव उनके तो रोपा हो सीधा भले हो गए नहीं। दूसरा आज सावन सोमवारी है,
दोनों ऐसे सुखद संयोग हरेली और सावन सोमवारी भगवान भोलेनाथ के दिन बहुत जन उपवास रखते, बहुत जन मना शिवालय जाके पूजा अर्चना करते, बेल पत्ती और दसरा वगैरह सब चढ़ाते। आज हमन एक नवा योजना की शुरुआत करे हैं, वो गोधन न्याय योजना। एक पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ओकर पहले किसान मन के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, लेकिन केंद्र सरकार करंगा के चलते सीधा 2500 रुपये हम नहीं दे पाए। ये साल 10000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसान है ते मन ला भुगतान करें। कोरोना के संकट है, पूरा देश में आर्थिक मंदी है, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी है, उकर बाद भी जिन आश्वासन किसान भाई मन ला दे रहे हैं बोला हमन पूरा करें। और सब जन ही कहा है कि कोरोना के संकट में जहाँ राज्य मन के आय मन के स्रोत बंद हो गए, उकर बावजूद भी प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया कैसे दे। ये सब जन जते भी अर्थशास्त्री है, राजनीतिक दल के मन है, थे मन ये बात ला पूछा तरीके से आखिर रहते के पीछे ऐश कहाँ थे। तो जहाँ नियत ठीक रही थे तो रास्ता निकल जाते, प्रथम की समझ दे है। राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे और अभी फिर से हमने 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के अवसर में देवो वो दिन बेटी भाई मन करू भाग खाई, ये दिन करू भाग खाई, दूसरा दिन उपास रही, जिन दिन करू भाग खाऊ मैके में तो मैके वाले मैके के खाता में पैसा चल रही, चिंता मत करो, अच्छा गुजरा ले और राम चले। हाँ पक्का दूसरा लेबर पैसा में हाँ तो हर मैके में डरवा आवर्ती जब पूरा बंद रही घर में त्यौहार मना कहीं रोकेगा। गणेश पूजा भी हुई लेकिन छोड़ के कोरोना से बच के करीब पहले मनमाने बड़े बड़े पंडाल लगाते रहे, कार्यक्रम करते रहे, रोशन नहीं रहा। गणेश पूजा भी हुई लेकिन बोला व्यवस्थित करे लगी, जिन सरकार के जिन गाइडलाइन है तक पालन करे लगी, ताकि ये कोरोना के संकट से भी बचते हुए पूजा पाठ भी हमारे चलत रहा है, तीज त्यौहार भी चलत रहा है, खेती किसानी भी चलत रहा है। तुम्हें देखे हो जहाँ लॉकडाउन में पूरा देश और दुनिया में बंद कर दिए गए थे, छत्तीसगढ़ में हम सीमित मात्रा में सब्जी के मार्केट ला, अनाज के दुकान मन ला, मेडिकल ला, पेट्रोल पंप ला, गैस सिलेंडर दुकान ला, सब तक खोल कर रखे रहे। जब आटा कमी हुई तो फ्लोर मिल तक शुरू करेंगे, जब दाल की जरूरत पड़ी तो दाल मिल तक शुरू करेंगे। बड़े जितना भी फैक्ट्री है वो बंद नहीं हुए, तो रोजगार के भी काम हमारे चला, किसी काम का भी हम जारी रखे रहे और मनरेगा लग बंदे नहीं करें। मैं यहाँ पहुंचे 2500 जन सरपंच का फोन कर करके बोले तो तुम मनरेगा काम लगावा शुरू नहीं करत, और हमारे सब मैं समाज सब पाटन क्षेत्र में पहले ही मनरेगा शुरू हुई और उसके बाद फिर पूरा प्रदेश भर हुई। तो स्थिति है कि 36 लाख मजदूर एक दिन में काम करी, देश में सर्वाधिक मजदूर मेला काम मिले हैं। पहली मनरेगा भुगतान है 6 महीने होती से साल भर में 2 साल तक के 3 साल तक के मनरेगा भुगतान नहीं हुए, लेकिन 15 दिन के भुगतान हो रहे हुए कि नहीं हुए। मजदूर लोग पैसा देख काम करें, रोजगार देख काम करें, किसान मन के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा देख काम करें। वे जिन जंगल में हमारे रिथे हमारे आदिवासी भाई बहनी मन परंपरागत रूप से जिन निवास करिया है उनकर मन के जब दुकान मन मंदिरी से सबसे मन बंद दुकान लग बंद कर रही, हमारे आदेश से बंद कर रही, सरकार के आदेश से बंद कर रही थे। वो समय महुआ को खरीदत नहीं रही थी, इमली अमली को नहीं खरीदत रही थी, ये समय स्व सहायता समूह के माध्यम से 17 रुपये के महुआ लग 30 रुपये हम खरीदे। वहाँ हमारे जंगल में रहिए मन लग भी पैसा की कोई कमी नहीं होती, बेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरक दर से खरीदे, यहाँ 1500 करोड़ रुपया किसान मल्ला दें
1900 करोड़ रुपया मजदूर मन ने मनरेगा में और 2500 करोड़ रुपया के लघु वनोपज खरीदी हो है। तो ये पाए थे छत्तीसगढ़ में कोनों का पैसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग एक काम करें, मुफ्त में चावल दे घोषणा पहली करें, भारत सरकार बाद में करे, 3 महीना का राशन हम बांटे काम न करें, घर घर तक के चावल पहुंचाए काम करें, जगह सरकार ने चुनौत देख काम करें, तो कोनों प्रकार की कोई तकलीफ न हो, ये बात की विशेष रूप से ध्यान रखें। गरीब से गरीब व्यक्ति है देखो मन के हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा काम हुई से अभी कोरोना चलते है, कुछ आंकड़ा बढ़े तो हम कलेक्टर मन निर्देश दें कि तुम्हारी यह जिन परिस्थिति है तेला देखे तुम्हें लॉकडाउन वगैरह जिन करना है, जिन कर्फ्यू लगाना है, कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, तुम अपन विवेक से निर्णय ले लो। लेकिन गांव में एक जरूरत नहीं है, कृषि कार्य बराबर संचालित होते रहना चाहिए, कृषि कार्य रुकना नहीं है। लेकिन गांव शासन में से कहना चाहते हैं हम अलग शहर मन में थोड़ा बहुत बल प्रयोग करे तो आवश्यकता पड़े, वैसे छत्तीसगढ़ में एक आध दुर्घटना छोड़ दे ऊपर बात बल प्रयोग करे कोनों जगह जरूरत नहीं पड़े। सबसे अच्छा पुलिस के अपन जो कार्यशैली है और पुलिस के जो छवि जिन ये कोरोना काल में सुधरे है, ऐसा छवि कभी पुलिस वाला मंत्री नहीं रिपीट के लिए कोरोना काल कार क्या करे। कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ में कोई पैदा चला थे तो पुलिस वाला मन है अपन थाना के पास टेंट लगा के भोजन भी कराते, चाय नाश्ता दवाई अवकर बाद ऊपर प्रदेश के जात तक की गाड़ी की व्यवस्था कराए थे। काम लग पुलिस वाला मंत्री हम तीनों दिन आई जी है, लेकिन नेतृत्व में सब काम मत हुई जरूर आई जी है, रायपुर है, बिलासपुर आई जी सब काम में लगे, पूरा पुलिस महात्मा है काम में करी, तो एक छवि सुधारे काम पुलिस को हो। हर विभाग केवल पुलिस विभाग की तारीफ नहीं करा, मैं हर विभाग महिला व्यवस्था विकास विभाग हो, नगरीय प्रशासन हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे कृषि विभाग हो, कौन से ऐसे विभाग है जिन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले। पहली बार तो मैंने महसूस हुई कि शासन तंत्र है आदेश भर नहीं करा, सेवक काम भी करते हैं, और कोरोना काल में हमारे अधिकारी कर्मचारी लेके चपरासी तक सब जन भीड़ के काम करे, आईजी से डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक ये मन दिन रात मेहनत करे, अतिक भरे दोपहर में भी काम करे, और जब तक प्रशंसा किए जाएगा समाज सेवी संगठन में बढ़ चढ़ते हिस्सा ले, देवांगन मन खूब पैसा दे, कहूँ मन चलता नहीं आज तक चुनाव लड़ा, 8-9 चुनाव हो गए लड़क, लेकिन कभी मूल पाटन के देवांगन मन एक पैसा नहीं दे रही। पहली बार कोरोना काल में बिना मांगे मन जाग मत पैसा दे भाई, देखा और जोरदार ताली बजा समाज वाला मन, किसान मन छत्तीसगढ़ के किसान मन चेक धर धर के आए, पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसान मन जाग गए, दूसरे राज्य में किसान मन मुख्यमंत्री सहायता नहीं दे हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान मन लहमन सक्षम बनाए, तो जब संकट है पूरा प्रदेश भर तो किसान मन हस्तमुख से खूब पैसा लाखों लाख रुपए चेक बना के रोज गिरीश देवांगन धर धर के लाया, मैं परेशान हो जाऊं उसका चेक लेते लाइन लगे रहे, और सब किसान मन दोनों 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ऐसे पैसे चेक धर धर के किसान मन आए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया हमारे किसान भाई मन है कोरोना पर सहायता और मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दे, समाज वाला मन खूब पैसा दे, ऐसे कोई समाज नहीं है जिन आके मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा ना दे, सबको समाज के मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात अभी भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना में अभी भी हमारे थोड़ा गांव में सचेत रहने की जरूरत है, शहर में हॉस्पिटल है, शहर में सूचना हो जाए तो शहर में जांच करने से तुरंत गांव में पहुंचे देरी होगा, और अभी तक से हमारे गांव वाला में सबसे बढ़िया काम करे, अपन गांव में कोई बाहर के आदमी गुजर नहीं देना, अपन गांव वाले बाहर नहीं जाना, अभी फिर से 2-4 महीने अपन गांव मन में काबर के अभी तक के कोई दवाई वैक्सीन वगैरह नहीं मिले, और सूचना ये मिला था दूसरे प्रदेश में अब गांव गांव फैल फैल रहे, अभी तक के हमारे गांव में माजे 6-6.5 लाख मजदूर बाहर से आए, होकर बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में सब रखे, कोनों कानून कान पता नहीं चले, सबकी सुविधा का ध्यान हमारे रखें, ओकरे कारण से हमारे यहाँ आंकड़ा बहुत कम है, जब हम बताते ना हमारे 200 हो गए तो बहुत लाख थे, 150 हो गए बहुत लाख थे,
उत्तर प्रदेश भर के बात कर सकती है, रायपुर भर के हुए और नहीं पूरा प्रदेश भर के 250 क्योंकि वो हमारे एक सरकार में होते हैं, पूरा प्रदेश में हजारों में आप, लेकिन हमारे प्रदेश अभी तक सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित बनाए की जिम्मेदारी हम तो कोरोना से हमें लड़ना है। कोरोना डर तो दवाई तो बहुत बहुत जन बीमारी हुई, बहुत जन के रोजगार छीनी, बहुत जन के मृत्यु प्राप्त तो हुई, लेकिन समाज सुधार करे काम कर सकते रहे भाव सस्ता मिलते पर अभी अचारे धन में भाव पड़ गए सुना दो जन लेख हुआ चार जन जागे भाव पाके आगे पटाखा न बेन न बाजा कुछ नहीं बाजे पर नहीं बाजे नहीं बाजे नहीं बाजे नहीं बाजे मरिया हरिया मन को सस्ता नहीं पाती सुनी सब हो गए खुद समाज सुधार की बात करते हैं लेकिन कोरोना सबसे बड़ी समाज सुधार ठीक चलते रहना चाहिए हमारे खर्चे बहुत अनावश्यक खर्च टीका से बचत हुई गायत्री परिवार वाले खुद समाज सुधार की बात करते सब मन कर लेकिन समाज सुधारक में जब कभी सुधारित करके कोरोना सुधार फटफटी तो चल दिन तरह अभी हम जब बात कर सन छत्तीसगढ़ के चार चिनारी गरवा गरवा गुरवा भारी पिछले साल हमारे का शुरुआत करें बहुत जनता आदमी का समझ नहीं आए अभी भी बहुत ज्यादा समझाया का आवश्यकता है। जब हम नरवा की बात करें तो नरवा में रिचार्जिंग करे के बाद नाला मन में पानी होना चाहिए, नाला की सतह भी होना चाहिए, जमीन के भूमिगत जल भी होना चाहिए, बोर में भी पानी मिले और सतह में भी पानी मिले, पेयजल भर भी मिले, निस्तार भर भी हो, सिंचाई भर भी हो और उद्योग लगे तो हो सब पर पानी की व्यवस्था और से हमल छत्तीसगढ़ में हर तीसरा चौथा साल में एक बार अकाल के सामना करना पड़ते, सूखा सामना करना पड़ते, ऊपर से हमल बचना है देकर बल जरूरी को वाटर रिचार्जिंग हर नरो में हमल करे का आवश्यकता है। जिस 1300 नाला हमन ले हमें जंगल में हरा भरा रहे चतुर्वेदी जी ये भूरेंद्र रहिया है जब ये बताए तो कहते यदि ये योजना हमें जंगल में लागू करो तो हमारा जंगल हरा भरा हो जाए, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए जंगल पेड़ पौधा मतलब भी पानी चाहिए तो वहाँ के जो जंगली जानवर है जिनको पानी की जरूरत और जंगल में जब वहाँ हरियाली रही वहाँ का मन खाए पी एक चीज रही तो फिर बेंद्रा में कावर फिर तेली गुड़ रहा हूँ मंसूली में हाँ तो वही पाए को मन लोग फल चार वृक्ष वगैरह जंगल में लगाया था क्या तुम्हें खाद दे पड़ेगा आज नरवा की बात करते हैं वाटर रिचार्जिंग के साथ गरवा की बात जब गरवा की बात करते हैं गरवा बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी कारण कोनो समय हमें ताकत नहीं हमें शक्ति नहीं है लेकिन आज वो हमारे पर बोझ बन गए गाय है गरु हो फुल्लम घूमत है फसल बचाना मुश्किल है उन्हारी सियारी बात तो छोड़ दे हमारे बरसात के फसल बचाना मुश्किल है रायपुर के वाला रायपुर के नगर निगम और गरवाल यहाँ गाँव में छोड़ देते अमलेश्वर में छोड़ी तो सांकरा ले सांकरा वाला जाम गाँव छोड़ दी जाम गाँव में फुंड छोड़ दी फुंडा वाला सांकरा सांकरा वाला मोकली छोड़ा था मोकली वाला मन छोड़े न छोड़ा था हमारे गरवा छोड़े टूटा था ये हो गए नहीं होते पाटन ये बहुत बड़े समस्या के रूप में हमारे मन के सामने आया फसल बचाना मुश्किल ये जन योजना तो गठान योजना शुरू करें गठान योजना में हमने पिछले साल जब बनाया शुरू करें और पिछले साल से आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन दर्द अनियमितता खून की कमी थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे प्रिय बहनों भाइयों
और बेटे और बेटियों, कोरोना जैसी महामारी का सामना हमें कभी करना पड़ेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। आज सारा विश्व, हमारा देश और हमारा प्रदेश इस महामारी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री बनते मैंने आप सबके सहयोग से, हमारे कोरोना योद्धाओं के सहयोग से, स्वयंसेवी संस्थाओं के, समाजसेवियों के सहयोग से इस बीमारी से निपटने का हर संभव प्रयास किया। एक हद तक हमने कोरोना पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन से हमको अनलॉक की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि जान भी है और जहान भी है। हमको आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ करनी थी, लेकिन अनलॉक के शुरू होने के साथ ऐसा लगता है जैसे हम कुछ असावधान हो गए, अनावश्यक रूप से हम बाहर निकले, कई लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए, शादियों के आयोजन में भी निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और इन असावधानियों के कारण एक बार फिर से देश में भी और हमारे प्रदेश में संक्रमित बहनों और भाइयों की संख्या बढ़ने लगी। और आज जिस गति से संक्रमित बहनों और भाइयों की संख्या बढ़ रही है, वो मेरे और आपके मन में चिंता पैदा कर रही है। अब सावधान होके इस बीमारी से निपटने का समय फिर आ गया है। हमारी 8 रुपये किलो खरीद को सोसाइटी के माध्यम से और देखे काम कर वो 15-15 दिन के में भुगतान हुई, सबके कार्ड बने, जैसे राशन कार्ड बने नहीं ऐसे हाँ। गोधन न्याय योजना भी कार्ड बनी, ठीक है भैया। कार्ड में सारी की सारी किसान के नाम लिखा रही और पशुपालक के नाम लिखा रही, साथ ही सबका वजन के देला होगा रुपया वो कार्ड में भरा रही, एक का कार्ड उधर कर रही और एक का कार्ड यानी गठान मिल, और 15 दिन के 15 दिन बैंक से भुगतान हो जाए। अब सवाल ये उठे कि गोबर कहाँ कहाँ जाते, एक तो घर में रही जरूरत तक गोबर देते, दूसरा गठान में आने तब होते, तीसरा जब चले जाते हो गोबर ही पासी पासी के गोबर सकेल थे, जिन घर वाला है तो घर मालिक पशुपालक है लेकर हो गए पैसा, रोथान में जिन गोबर रही जिन हमारे मन के राउत मन के पार्टी मन के जिन चरा थे लेकर मन जो पैसा राउत मन नहीं था वो गौशाल में पहुंचा के लगी नहीं खरीदा नहीं तय कर लो, गाड़ी वाला अभी गाड़ा आए नहीं तो 25 पैसा किलो वाला जो है ना 2 रुपया पहुंचा के ये हम लोग करेंगे। एकर से वर्मी कंपोस्ट बनी, वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से हमारी जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ी, हमारे जिन अनाज है फल है सब्जी है वो दूषित नहीं हुई, जहरीला नहीं हुई, बीमारी में होते न होते एकर से बची, ये काम। और सबसे बड़ी बात चरी चरागन होते रोड में एक्सीडेंट होते जन धन से हानि होते उस बचे जा सकते, ये हरे गोधन न्याय योजना। अब येला ये जो योजना है येला अपन खुद से संचालित करना है, अभी हम पैसा दे सकते जिन दिन वर्मी कंपोस्ट के पैसा मिले धर रही तो फिर बचत मतलब समिति वाला हमारे संचालित करते, ये कॉपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ये पूरा हमारा करना है। और साथ साथ हमारा हर गौथान में एक आजीविका सेंटर, हमारे रूरल
इंडस्ट्रियल पार्क बनी एक एकड़ में, अभी गरीब कथा हुई कहा रोजी रोजगार फौर के नाम रखा है रोजगार छोड़ भी रखे जा सकते निश्चित रूप से सुझाव आमंत्रित रोजगार छव के नाम से जिला हम डेवलप करबो ताकि हमारे गांव के बेटी माई मन है लोग लैका मन है वहाँ साबुन बनाए काम है सोडा बनाए काम है अगरबत्ती बनाए काम है कपड़ा सिले काम वो सब काम लोग संचालित ये इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हमारा डेवलप करना हर गांव में हमारा करना है तो 3 से 5 एकड़ जमीन गौठानवर और 5 से 10 एकड़ जमीन है फिर चारागाह जैसे गोबर खरीदे से गोवंश के सुरक्षा हुई उसी प्रकार से गौठान तब तक के अच्छे से संचालित गरबा तब भी की जब तुम वो चारा दो या पैरा खावा या हरा चारा हो तो जब तक हरा चारा वो मतलब नहीं मिली तब तक गरबा तुम भूखा बैठा के नहीं रख सको दे पाए के हरा चारा होना जरूरी है या फल सब्जी लगाओ समिति वाला मन ऊपर उत्पादन करो लेकिन गौठान भी नेपियर घास है या दूसरा प्रकार के चारा है मक्का लगाओ चाहे ज्वारी लगाओ जिन्हें लगाना है लेकिन वो चारा मिलना चाहिए तभी हमारे गोवंश की रक्षा हो सकते और आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत में आप सब बड़े संख्या में उपस्थित हो कोरोना काल में भी आप आए कृषि कार्य भी चला थे तेकर बाद भी आप आए और बहुत दिन बाद में पाटन आए बांग्लादेश निकले थे संकट मिलाई 4 गाँव गए 6 महीना मिलाई भी नहीं जाता रायपुर इस बार मिलता आज पहली बार पाटन आया बहुत दिन बाद बहुत अच्छे लगे थे तब संगवारी मन से देखे के अब सकन नहीं तुझे तुझे रहना है पूरा भी कल देखा थे तुझे चले ठीक है दुआ सलाम है बहुत बहुत बधाई हरेली के सावन सोमवारी के गोधन न्याय योजना की शुरुआत में सब ल बधाई हमारे कलेक्टर साहब है हमारे सिद्धार्थ कुमार परदेशी है यहाँ के सीओ है यहाँ के पशु विभाग के मैंने हॉर्टिकल्चर के एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट खूब मेहनत करके प्रधान बनाया हूँ नगरीय प्रशासन के मैंने खूब मेहनत करे हो एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए धन्यवाद जय हिंद जय जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बाद गोधन न्याय योजना के शुभारंभ करे बर गोबर के तौर और गोबर विक्रय पत्र दे बर मैं यहाँ आमंत्रित करत हूँ गोबर ल तौले जाई और हितग्राही ला पैसा दिए जाई और तौर गोबर के तौर हो मुख्यमंत्री और तत्पश्चात आदरणीय परदेशी राम जी वर्मा आए पुस्तक की विमोचन करना है हरेली में शाम आगमन भैया सामने नहीं आना कोई ओ भैया परदेशी राम वर्मा जी तैयार रहेंगे अरे भैया धीरे भाई पुस्तक का पूजन करना है हरेली विशेषा माता कौशल्य गौरव अभियान समिति के अध्यक्ष और साथ में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हेमंत देवांगन जी नगर पंचायत पाटन के पूर्व अध्यक्ष हैं आप और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बहुत ही सम्मान के साथ आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र कश्यप जी सीएमओ आदरणीय कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह की तैयारी करें पीछे क्या पीछे करना
नगर पंचायत पार्षद के सभी पार्षद जन यहाँ पर उपस्थित हैं, भाले जी बदलाव भाले जी से भी आग्रह करूंगा स्तुति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप लोग पूरी तैयारी में रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्तुति चिन्ह भेंट करते हुए पुस्तक का विमोचन भी करेंगे आदरणीय परदेशी राम जी वर्मा के लिए पुस्तक का आगमन विमोचन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट करें तत्पश्चात भाग व्यक्त करने के लिए आदरणीय हेमंत वर्मा जी। शहर में घर से जब भी मैं बाहर निकला मेरी स्वागत से हर एक जेब से कंजर निकला, मेरे ओठों पे दुआ उसके लबों पे गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वो बाहर निकला, अपनी रोटी भी सदा बाट की जिसने खाई, अपनी रोटी भी सदा बाट की जिसने खाई, वो भूपेश बघेल भी शहनशाह से बढ़कर निकला, वो भूपेश बघेल भी शहनशाह से बढ़कर निकला। और आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में एक नई शुरुआत हुई है, जिसकी गूंज और अनुगूंज पूरे देश में और संभवतः विश्व में सुनाई पड़ने वाली है। महात्मा गांधी के सपनों का भारत गांव में आकार लेने लगा है और ऐसा लगता है कि जिस दौर की हम कल्पना कर रहे हैं, जहां गोधन संरक्षण होता था, गोधन संवर्धन होता था, वह अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के हाथों से संपन्न होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि कलयुग में कृष्ण के रूप में भाई भूपेश बघेल जी पधारे हुए अवतरित हुए हैं और गांव गरीब और किसान को आगे बढ़ाने का उनका कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। और आपने योजना के लिए पाटन को चुना, आप पाटन आए, आप ही आभार है, अध्यक्ष भाई गिरीश देवांगन जी का, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी का, अजीत लोधी जी का, हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ मंत्री जी का, आप सब यहाँ आए महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च हुई है, पूरे देश में पहली योजना है, क्या माना जाए आज हरेली का त्यौहार है छत्तीसगढ़ में, साल के पहला त्यौहार और ये तीसरा सावन सोमवारी और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। गांव से ऐसे भूमिहीन हमारे मजदूर यहां रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यदि उसके पास 4 मवेशी भी है तो उसे प्रतिदिन 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह उसको मिलेगा। तो ये किसी भी योजना से बेहतर योजना है, गोबर से इनकम होगा वो 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा और उससे जहां वर्मी कंपोस्ट बनेगा खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही जो खुले में जो चराई होती थी
उससे बचत होगी, फसल की सुरक्षा होगी और साथ ही जो पशुपालक है उसके आय में वृद्धि होगी, जान माल की भी सुरक्षा होगी, सड़कों में जो लगातार एक्सीडेंट होते थे उससे भी बचा जा सके जाते। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से जिसके आज लॉन्च हम लोग किए हैं, गोधन न्याय योजना। इसके पहले किसान न्याय योजना राजी जी के नाम से शुरुआत की, प्रथम किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त 20 अगस्त को फिर से दिया जाएगा। तो लगातार आम जनता और गरीब किसान मजदूर भूमिहीन लोगों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार फैसले ले रही है। लॉकडाउन किया जाना है तो इस पर बीजेपी का कहना है कि आपने काफी देर कर दी है, जब लॉकडाउन करना है तो अभी से किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि प्रदेश की स्थिति काफी खराब है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। देश की स्थिति आप देखें, जिस समय लॉकडाउन करना था उस दिन आप ट्रंप का स्वागत कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की चिंता थी और इस कारण से लॉकडाउन आप नहीं किए, इंटरनेशनल फ्लाइट आप नहीं रोके, होम क्वारंटाइन नहीं किए और इस कारण से पूरे देश में बीमारी फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने किया है। यदि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोक देते आज इस महामारी से पूरा देश बच जाता। यहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तुलनात्मक रूप से किसी भी राज्य से तुलना कर सकते हैं, भाजपा शासित किसी राज्य से तुलना कर दें, छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है और यहाँ के लोगों ने खूब सहयोग किया है, आम जनता ने सहयोग किया है, मीडिया ने सहयोग किया है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने खूब मेहनत की है और इस कारण से इस संक्रमण को रोकने में हमको सफलता मिली है और आगे भी मिलेगी। बीते साल हरेली में गेहूं की कीमत पूछ रही थी, इस साल गोबर का बजट पूछ रही है, तो जब भी कोई नई स्कीम आप लॉन्च करते हुए जब ये पूछती है, गोबर 2 रुपये प्रति किलो, 1,16,00,000 के आसपास छत्तीसगढ़ में पशुधन है, यदि हमें 40-50% भी गोबर मिलता है तब भी एक यदि मवेशी 3-5 किलो गोबर दे तो ये 1,16,00,000 है, यदि 3 किलो भी मिनिमम अपन करते हैं तो वो होगा 3,48,00,000 और यदि उसे 50% करते हैं तो ये समझ लीजिए 1,75,000 किलो होगा। अब 2 रुपये के हिसाब से हिसाब लो और उसको फिर जो कम वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका हिसाब कर ले। जो सवाल पूछती है ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि उनके समझ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ही नहीं, वो लोग कभी गांव के नाम से, कभी गाय के नाम से, कभी गंगा के नाम से, कभी भगवान के नाम से वोट मांगने का काम करते हैं। जो उन लोगों को न उसके गाय की चिंता थी, न पशुपालकों की चिंता थी, उनको तो केवल वोट की चिंता। मक्का किसानों की हालत खराब है, बहुत सारे मक्का इस बार खरीदे नहीं गए जब से। देखिए उसके लिए ये बरसात में जो मक्का बोएंगे और जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका मक्का खरीदा जाएगा, जो गर्मी में है गर्मी फसल धान हम खरीदते गर्मी फसल में नहीं मक्का खरीदते, तो ये बरसात में जो है उसको हम लोग खरीदेंगे। नई लिस्ट कुछ निगम मंडलों की ओर ऑर्गेनिक स्टेट की ओर आगे बढ़ गया है, ऑर्गेनिक स्टेट बनने की ओर निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसका लाभ जहां किसानों को मिलेगा वहीं हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और लोगों को आम जो उपभोक्ता है उसे शुद्ध अनाज फल और सब्जियां मिलेगी। सर भिलाई में मेरे प्रिय बहनों।